हमारा ये ब्रह्मांड भौतिकी के नियमों के अनुसार कार्य करता है, जिसमें से समय एक सीधी रेखा में हमेशा बढ़ती है और इसके पीछे आना नामुमकिन है। पर इस यूनिवर्स में एक ऐसी भी चीज है जो भौतिकी के नियमों से परे भी काम करती है, उसे हम अपनी कल्पना शक्ति कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी शक्ति का इस्तेमाल कर यह जानने की कोशिश करते हैं कि दो अलग अलग काल के मशहूर शिकारी का आमना सामना हो तो किसकी जीत होगी। हम बात कर रहे हैं आज से 6 करोड़ साल पहले पाए जाने वाले सांपों की सबसे बड़ी प्रजाति टाइटानोबोआ और 10,000 साल पहले पाए जाने वाले दहशत का दूसरा नाम सेबर टूथ टाइगर की। लेकिन इनके युद्ध से पहले चलिए दोनों की शक्तियां और कमजोरी पर नजर डालते हैं। एक तरफ है 6 करोड़ साल पहले का मशहूर शिकारी टाइटानोबोआ, जिसे साल 2009 में कोलंबिया में हुई खुदाई से इसके पहले कंकाल को प्राप्त किया गया और वैज्ञानिक इन कंकालों को देखकर चौंक गए, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 13 मीटर की थी, जो कि इससे पहले इतनी लंबाई वाला सांप कभी नहीं देखा गया था। टाइटानोबोआ पैलियोसिन युग का सबसे बड़ा और खतरनाक शिकारी माना जाता था, जो कि जमीन तथा पानी दोनों में राज किया करते थे। ये बड़े से बड़े जीवों पर अपनी कुंडली द्वारा 1000 किलो का वजन से उसका दम घोट दिया करते थे, जिससे उस जीव की तुरंत मौत हो जाती थी। और टाइटानोबोआ उस जीव को मारने के बाद उसे सीधा निगल जाया करते थे। माना जाता है कि इस 13 मीटर लंबे शिकारी का वजन 1250 किलोग्राम तक हुआ करता था। इसके बावजूद ये काफी फुर्तीले माने जाते थे और साथ ही ये छिपने की कला भी अन्य सांपों की तरह जानते थे, और खासकर जब ये पानी में हो तो इसे देख पाना नामुमकिन हो जाता था। और इसी छिपने की कला का इस्तेमाल कर ये नदी के आसपास आए जीवों पर अचानक हमला कर उसे मौत की नींद सुला दिया करते थे। और यदि इसकी कमजोरी पर नजर डालें तो इस जीव को हमेशा बड़ा जीव आहार के रूप में जरूरत होता था, और एक बार शिकार करने के बाद ये हिलना डुलना भी पसंद नहीं करते थे। वहीं दूसरी ओर हम सेबर टूथ टाइगर की बात करें तो ये 10,000 साल पहले पाए जाने वाला सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था, जिसके छुरी जैसे दो दांत इसे अन्य जीवों से अलग बनाते थे। इन जीव का मुख्य आहार बड़े जीव जैसे बाइसन, घोड़े और हाथिया तक हुआ करता था। स्माइलोडोन की एक खास बात यह थी कि ये हमेशा गुस्सा में रहा करते थे और अपने से बड़े जीवों से भी ये नहीं डरा करते थे। तो अगर टाइटानोबोआ और सेबर टूथ टाइगर की आपस में लड़ाई होती तो ज्यादा चांसेस टाइटानोबोआ की जीत की होती, और यदि टाइटानोबोआ पानी के आसपास में हो तो स्माइलोडोन का बचना नामुमकिन हो जाता। लेकिन अगर टाइटानोबोआ का पेट भरा हुआ हो तो कुछ हद तक सेबर टूथ टाइगर टाइटानोबोआ को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाता, पर उसे मार नहीं सकता था, क्योंकि सेबर टूथ के जबड़े टाइटानोबोआ के शरीर को भेदने के लिए उतना नहीं खुल पाता। ये सिर्फ उसे अपने दांतों से गड़ाने की कोशिश करता। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर बताना ना भूलें।